everyone. Today we have start chapter 4B, part 1. Okay. First I explain what is heat. Heat is the type of energy. Means जो heat है वही type का energy का ही type है. Then इसके through जो भी है किसी भी कोई जो object है वो cold है मतलब hot है उसको find किया जाएगा. Okay children. Then I read. In chapter 3 you learn what that woolen clothes are made from animal fiber. Means हमने जो previous video बनाया है fiber to fabric का, then उसमें हमने read किया था कि जो woolen fibers है, woolen clothes जो है वो किससे बने होते हैं? Animal fibers से. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. और जो cotton के clothes हैं वो plant से, मतलब animal और plant दोनों के fibers से जो है हमने cloth material के बारे में read किया था. We wear woolen cloth during winter when it is cold outside. Means आपने देखा होगा कि जब winter season होता है, that time हम जो clothes पहनते हैं वो woolen clothes होता है. जब बाहर जाते हैं तो woolen clothes keep us warm. Means जो winter में हम जब woolen dress पहनेंगे तो वो हमारी body को क्या करते हैं? Warm करते हैं. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. And आपने देखा होगा कि जब summer में हम woolen clothes नहीं पहनते, कौन से पहनते हैं? Light wear clothes. जो किस dress material का बना होता है? Cotton का. Okay children, तो वो हमें cooling provide करता है इन summer season में. These give us a feeling of coolness. Okay children, you might have wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. और आपने ये देखा होगा कि means हर season के according हमारा जो clothes का material है वो different हो जाता है. In winter you feel cold inside the house. और इस एक और reason, एक और example मैं आपको बताती हूँ कि winter में यदि हम घर के अंदर हैं तो हमें cooling मतलब ठंडा लगेगा, और यदि हम sun में जाएंगे तो कैसा लगेगा? मतलब बाहर की side में तो जो sunlight है तो that time हमें hot लगेगा. Okay children, means how do we know whether an object is hot and cold? Means हम कैसे define करते हैं कि कोई भी जो object है वो हॉट है या कोल्ड? तो चिल्ड्रन ध्यान दो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट कोल्ड या हॉट या कोल्ड होगा उसको हम टच के थ्रू, मतलब हम जब टच करेंगे देन हमें डिफाइन हो रहा है, यानी हमारी जो स्किन है वो इसको फाइंड करती है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट टू पॉइंट है हॉट एंड कोल्ड आपका. इन अवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. मतलब कुछ जो ऑब्जेक्ट है आपको कैसे लगेंगे? ठंडे लगेंगे और कुछ गर्म. देखो एक्टिविटी है आपका टेबल 4.1 में, एक एक्टिविटी है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल जैसे आइसक्रीम लिखा हुआ है तो नॉर्मली आप जानते हैं कि जो आइसक्रीम है वो कोल्ड लगेगी. ठीक है, स्पून इन अ टी कप, मतलब टी कप आप जो ले रहे हैं स्पून वन स्पून में, तो देन उसका जो है वो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा वार्म लगेगा. ठीक है चिल्ड्रन, एंड फ्रूट जूस ले रहे हैं तो वो थोड़ा जो है वो कोल्ड ठंडा ही लगेगा फ्रूट का जूस जो है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, जो आप कोई भी जो फ्राइंग पैन है वो यदि आपने नॉर्मली गैस पे नहीं रखा है तो कूल लगेगा, और यदि गैस पर है तो हल्का सा वार्म लगेगा. ओके चिल्ड्रन, तो टी इज हॉट एंड आई एग्जाम्पल है लिखा हुआ ये ऑब्जेक्ट का. मीन्स ये जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम फाइंड करें कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम फील करते हैं हॉट फॉर्म में, और कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम फील करेंगे कोल्ड की फॉर्म में. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. मतलब केयरफुली करना है कि हर ऑब्जेक्ट एकदम कहीं बहुत ज़्यादा कोई हॉट हो और आपने टच कर दिया तो आपको मतलब हार्म हो सकता है उससे. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. मीन्स अब जो ऑब्जेक्ट है उनमें भी ऐसा होगा कि कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे और कुछ जैसे बहुत ज़्यादा गर्म होंगे. सपोज फिर मैं एग्जाम्पल लूँ कि एक मतलब जो है टू ग्लास लेते हैं एग्जाम्पल, या देखिए कि टू ग्लास लिए हमने, एक में हमने टैप वाटर लिया है और एक में टैप वाटर प्लस आइस डाल दिया है, टैप वाटर प्लस आइस. ओके चिल्ड्रन, देन आप दोनों को जो फील करोगे तो ये जो है ये थोड़ा नॉर्मल लगेगा वाटर, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ये वाटर है ये क्या लगेगा? कोल्ड लगेगा. तो इसको हम बोलेंगे
colder than here. ये ज़्यादा cold लगेगा. Okay children, तो same ये भी होगा कि एक glass में normal water ले लो और एक में boil water, boil करके water को ले लो, तो वो जो boil water है वो hot लगेगा. Okay children, तो then उसको हम कैसे find करेंगे अपनी sense के through. Sense क्या है हमारा यहाँ पे touch करने का. कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम टच करेंगे देन फाइंड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है. ओके चलिए नेक्स्ट है कि एक्टिविटी भी दिया हुआ है 4.1. आई एक्सप्लेन दिस वन. टेक थ्री स्मॉल टब्स, यहाँ पे भी थ्री मतलब जो है बीकर ले सकते हैं. पुट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, इजी रहेगा. ये एक्टिविटी कुछ भी लगती है. थ्री बीकर्स हैं यहाँ पे, एक से एक को ए नेम दिया है, दूसरे बीकर को बी नेम एंड थर्ड वन को सी नेम. चिल्ड्रन देन जो ए है लेबल कर दिया इनको तीनों को ए बी सी एंड ए बी एंड सी. पुट कोल्ड वाटर इन ए बीकर, मतलब इसमें जो ए वाला है इसमें हमने कोल्ड वाटर ऐड किया. ओके सेकंड वन जो है हॉट वाटर, बी में जो वाटर है वो हॉट वाटर है, ए में कोल्ड वाटर एंड बी में हॉट वाटर. मिक्स मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी. ओके चिल्ड्रन जो इसमें है दोनों मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स वाटर है, जो सी वाला है इसमें मिक्स वाटर फिलअप किया हुआ है. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए. अब जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ए में ऐड करना है. ओके चिल्ड्रन और जो राइट हैंड है वो हॉट में. ओके एंड राइट हैंड इन मग बी. आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द टू मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, थोड़ी 2-3 मिनट्स तक. और चिल्ड्रन ये भी ध्यान देना कि ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए कि जो अपनी स्किन को हार्म करे, मतलब कंपेरिजन हॉट होना चाहिए इसकी कंपेरिजन. ओके तो लेफ्ट हैंड इसमें आपने डिप किया और राइट हैंड हॉट वाटर में डिप किया, देन 2-3 मिनट, आफ्टर 2-3 मिनट्स बाद में आप जो दोनों हैंड्स हैं ओके उसको हम किसमें मिक्स करेंगे, इसमें मतलब ऐड करेंगे डिप करेंगे मतलब सी वाले बीकर में. ओके लिखा हुआ है यहाँ पे पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी. डू बोथ द हैंड गेन द गेट द सेम फीलिंग. अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है बुजुर्ग ने, बुजुर्ग कंफ्यूजन हो रहा है. शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिली ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. मीन्स अब मीनिंग क्या है कि जो आपने दोनों हैंड जो पहले ए और बी में मतलब हॉट और कोल्ड में डाले थे वही हैंड आपको सी बीकर में ऐड करना है. दैट टाइम क्या होगा कि आपको ना तो जो सी वाला वाटर है ओके इसमें ना तो हॉट का फीलिंग आएगा ना ही कोल्ड का, इसमें नॉर्मल हमें फीलिंग आएगा. ओके देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज. अ रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. ओके चिल्ड्रन मीनिंग क्या है यहाँ पे कि इसमें हमें जो मतलब यहाँ पे हमारा कोल्ड हैंड हो गया था और यहाँ पे हॉट हैंड हो गया था, वार्म फीलिंग था यहाँ पे, लेकिन जब हमने मिक्स में डाला तो नॉर्मल हमें लगा ना तो हॉट लगा ना तो कोल्ड लगा. ओके तो इसके थ्रू ये फाइंड किया जा रहा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका हम उसको डिफाइन करेंगे कि कोई उसका हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है. दैट इज किसके थ्रू किया जाएगा कोई भी, तो ये टेम्परेचर बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? टेम्परेचर. जो मैंने यहाँ पे डिफाइन लिखा वो भी है कि टेम्परेचर और रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉटनेस मतलब कितना वार्म है ये किसके थ्रू डिफाइन होता है, इट इज टेम्परेचर. वो उसका क्या बोला जाएगा? टेम्परेचर. ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बोला जाएगा. अब बात है कि जो ये टेम्परेचर है ये किससे डिफाइन किया जाता है, किसके थ्रू मेजर किया जाएगा, तो इट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ओके चिल्ड्रन तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट अब स्टार्ट होगा कि कौन कौन से टाइप के जो थर्मोमीटर्स हैं. ओके देन थर्मोमीटर के थ्रू हम कोई भी जो टेम्परेचर है वो डिफाइन करेंगे. ओके नेक्स्ट है यहाँ पे मेजरिंग टेम्परेचर कैसे हमें डिफाइन करना. देखो आपने थर्मोमीटर नॉर्मली अपनी लाइफ में देखे ही होंगे. रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर. सपोज आपकी किसी भी फैमिली मेंबर को मतलब फीवर का फीवर होता है तो दैट टाइम जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं छोटा डिवाइस फॉर्म वो एक थर्मोमीटर होता है, उसके थ्रू हम बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करते हैं. ओके चिल्ड्रन द थर्मोमीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर.
थर्मोमीटर। तो चिल्ड्रन ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि व्हाट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर जो क्लिनिकली है ओके उसका क्या मीनिंग है कि ऐसा डिवाइस ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करते हैं इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। और ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है आपको एक ग्लास का जो क्लिनिकल थर्मोमीटर ओके। अभी वैसे इसका यूज बहुत कम हो गया आजकल तो कौन से आ गए हैं डिजिटली वाले। कौन से वाले आ गए हैं डिजिटल ओके जो भी हम आगे रीड करेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। यदि आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड के किसी के भी पास में आप देख सकते हो। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द शोन यहाँ पे दिया हुआ डायग्राम आपको 4.2 में ओके चिल्ड्रन दिस वन ये जो है क्लिनिकली थर्मोमीटर है ओके। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लिनिकली मीन्स जो अभी थर्मोमीटर है उसके टाइप्स चलेंगे। टेम्परेचर हमारा फाइन हो गया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका हॉटनेस जो है हम डिफाइन करें वो किसके थ्रू होता है टेम्परेचर के थ्रू। और टेम्परेचर मेजर किसके थ्रू होता है चिल्ड्रन टेम्परेचर थर्मोमीटर के थ्रू। तो थर्मोमीटर यहाँ पे जो है टू टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इट इज द ग्लास का ट्यूब होता है। मैं ड्रॉ बना रही हूं ओके साइड में एक और थिन ग्लास ट्यूब होती है एक और थिन ग्लास ट्यूब होती है ओके जिसके इनसाइड में एक मेटल जो है मर्क्यूरी वो फिलअप होता है। चिल्ड्रन इसका जो मेजरमेंट है आपको बता दें जो यहाँ पर इसकी जो आउटर ग्लास है उस पर मेजरमेंट होता है सर जो रेंज है इसकी यहाँ पे 35 to 42 देन 35 से स्टार्ट होके 42 तक का इसका रेंज होगा ओके चिल्ड्रन 42 डिग्री सेल्सियस। चिल्ड्रन हम इसको थोड़ा रीड करती हूँ। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्लिनिकली थर्मोमीटर का। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब ओके इट हैज अ बल्ब एट वन एंड दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी। मतलब ये जो ग्लास मैंने यहाँ पे ट्यूब बनाया हुआ है इसके आउटर में ये मेटल का ट्यूब होता है मेटल का ओके इसको बोला जाता है बल्ब। ये इसका बल्ब पार्ट है ओके चिल्ड्रन ये बल्ब बोला जाता है। और यहाँ पे जो मेटल फिलअप है दैट इज मर्क्यूरी फॉर्म ओके। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। और ये जो एक और इनसाइड में जो आपको इनसाइड में दिखेगा बिल्कुल थिन फाइबर जैसा तो ये भी जो फॉर्म है ये मर्क्यूरी का ही है और ये ग्लास का ही ट्यूब है इनसाइड में जिसमें मर्क्यूरी फिलअप होता है ओके चिल्ड्रन। इफ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। अभी मतलब आपने दिखा तो थोड़ा सा उसको घुमा के आप उसको देख सकते हो टर्न करके देन आपको एकदम थ्रेड दिखेगा मर्क्यूरी थ्रेड बोला जाता है ओके। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन अ थर्मोमीटर और उसके ऊपर ये स्केल ये लिखा रहता है जो रेंज 35 से लेके 42 तक होता है इसमें। और इसका जो यूनिट है स्केल का इट इज सेल्सियस स्केल बोला जाएगा इसको ओके। इसे इंडिकेट किया जाएगा सेल्सियस मीन्स ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस यदि हमें लिखना है तो 35 डिग्री सेल्सियस ओके चिल्ड्रन। ये डिग्री का फॉर्म होता है ऊपर जो जीरो होता है वो डिग्री है और सी आपका सेल्सियस ओके चिल्ड्रन। देन यानी कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री ओके। देन आपका यहाँ पे क्लिनिकली थर्मोमीटर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यानी जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हो देन आप मुझसे पूछ सकते हो ओके चिल्ड्रन।